एक दिवसीय क्रिकेट ना एक्चुअली 1, 2 और 3 के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है, करेक्ट है ना। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, इमाम उल हक, फखर जमान, बाबर आजम, जेसन रॉय, साथ में कौन, उनके पीछे जो रूट, स्टीवन स्मिथ, डेविड वॉर्नर, ट्रेविस हेड। आज जरा बात कर लें कि कौन सी टीम के टॉप 3 वो वर्ल्ड कप में धमाल मचा सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। जैसे कल हमने फास्ट बोलर्स की बात की थी और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया एक्चुअली उस वीडियो को। इट्स गॉट नियरली अ मिलियन व्यूज एक्चुअली। अभी तक आप जब देख रहे तो हो चुके होंगे मिलियन व्यूज फेसबुक एंड YouTube पुट टुगेदर, तो अच्छा है। गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दिया करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दिया करो, क्योंकि मेरा पिछले 5-6 महीने का एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि यार नोटिफिकेशन लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है यार, कुछ गड़बड़ है क्या? ध्यान दीजिएगा प्लीज, ताकि सुबह जब 7 बजे वीडियो अपलोड होता है तो आप देख लीजिए। चलो विदाउट फर्दर अडू आज मैं इंडिया से शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि जब हम 1, 2, 3 की बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार हमसे बेहतर कौन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं, इसकी ऐसी फीलिंग अंदर से आती है, अंदर से आती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3 पे है रोहित शर्मा, साथ में शुभमन गिल, और उनके पीछे आएंगे विराट कोहली। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, द नंबर ऑफ रन्स अगर हम विराट कोहली और रोहित शर्मा की कर लें तो लेट मी टेल यू, बहुत सारे रन्स है, बहुत सारे रन्स है। 9000 से ऊपर रन्स तो 9800 रन्स तो रोहित शर्मा ने बना दिए है, शुभमन गिल के भी 1400 रन तो हो चुके हैं और विराट कोहली के नियरली 13000 रन्स हैं। आई मीन जस्ट द शियर एक्सपीरियंस इज अनबिलीवेबल। और रोहित और विराट कोहली का, ऑफकोर्स शुभमन गिल तो अभी वो कहते ना कि एयर अपेरेंट है, वो प्रिंस इन द वेटिंग है। हालांकि टू बी फेयर, जब आप वनडे क्रिकेट की बात करेंगे, एकदम अच्छी सपाट पिचेस की बात करेंगे, यू विल फाइंड दैट शुभमन गिल हैज कम टू हिज ओन, तो फिर वो कुछ अलग अंदाज में अलग दर्जे की बैटिंग करता है खिलाड़ी, फिर वो प्रिंस इन द किंग इन द वेटिंग, प्रिंस राइट नाउ, ऐसा नहीं होता है, वो फिर बहुत अच्छा खेलता है। वैसे रोहित शर्मा के आंकड़ों से शुरुआत करते हैं, रोहित शर्मा के ओवरऑल नंबर 9800 रन में आपको बता ही चुका हूं, 30 शतक है भाई के, 244 मुकाबलों में, 49 का नियरली औसत है, 90 का स्ट्राइक रेट है, एशिया में भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, 30 में से 15 शतक जो है वो एशिया में आए हैं, एवरेज वही 49 का है, स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ जाता है, 90 से 95 का हो जाता है, 96 का नियरली। सो आप मान के चलिए कि रोहित शर्मा तो आपको धोने वाला है अगर खेलेंगे पूरे 9 मैचेस, तो उसमें आई मीन अगर 3-1 शतक ना मारे तो फिर तो मजा ना है, 2 तो मारने चाहिए ना बतौर ओपनर, और एक बड़ा डैडी 100, मतलब उसकी मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ। शुभमन गिल इज एग्जैक्टली द सेम टू बी फेयर, आई मीन इनका सैंपल साइज इन्नू सा है, क्योंकि रोहित शर्मा का वहां पर अगर इतना बड़ा सैंपल साइज 2 हाथ से ऐसे वाला, तो अभी तो शुरुआत ही की है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल के आंकड़े 14 मुकाबले, कुल 1 सेकंड रुक जाइए मैं जरा दोबारा देख लेता हूँ, हाँ 12 मुकाबले एशिया में खेले हैं, कुल मुकाबले 27 खेले हैं, एवरेज 62 का टोटल में है, एशिया में 64 का हो जाता है, 4 शतक कुल जड़े हैं जिसमें 3 तो एशिया में है। आई मीन दीज कंडीशंस आर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस, और 1, 2, 3 के लिए एकदम सपाट रोड जैसी पिचेस अपन लोग बनाते हैं, उस पर खूब सारे रन्स बनते हैं, वो गेंद स्विंग कुछ नहीं होती है, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं आता है कि रन्स जल्दी बनाने हैं, यू कैन आराम से बिल्ड योर इनिंग्स, आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल। एंड शुभमन गिल, रोहित शर्मा, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियली वेल, और अगर आप कहीं से पार पा जाते हैं, होगा ना कोई कभी ना कभी, तो फिर आते हैं जनाब विराट कोहली, आई मीन द फादर ऑफ ODI क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई मीन जो उनके नंबर्स है इधर एब्सोल्युटली स्टेलर, 275 मुकाबलों में नियरली 13000 रन हैं, 46 सेंचुरीज हैं, 57 का टोटल औसत है, एशिया में 46 में से 3100 जो है वो भारत में आए हैं, मतलब एशिया में आए हैं, 58 का औसत हो जाता है, स्ट्राइक रेट 96 का है, 7400 से ऊपर रन जो है वो एशिया में ही है, तो फिर 1, 2, 3 इंडिया का तो एकदम बाबा सलाम ठोकने वाला है। इसी के साथ साथ एक्चुअली मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूं, क्योंकि ये हमारी परिस्थितियां है, राइट, एंड व्हेन आई थिंक अबाउट कि कौन कौन सी टीम पहुंच सकती है आगे, तो इंडिया पाकिस्तान बिल्कुल वो दे मेरे बिल्कुल उसमें ऊपर फिगर करती है, फीचर करती है, कि अगर सेमीफाइनल की 4 टीमें मुझे ढूंढनी हो तो उसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम मैं डालूंगा, तो फिर मौज आने वाली है, ब्रॉडकास्टर्स की भी हो सकता है कि 2 मुकाबले देखने को मिल जाए इंडिया पाकिस्तान के इन सिंगल वर्ल्ड कप, वाओ। इमाम उल हक 61 मैचेस, 2871 रन हैं, 52 का इनका औसत है, एशिया में औसत और फुदक के 56 का हो जाता है, कुल 9 शतक हैं इनके, जिनमें से 3 जो है वो एशिया में आए हैं, इमाम उल हक इज अ गुड प्लेयर,
आप इनको जितना खेलते हुए देखेंगे ना, आप पाएंगे कि अच्छा खेलता लड़का यार, बहुत तरीके से खेल को चलाना आता है। फखर जमान T20 में आप कहते हैं थोड़ा हिट एंड मिस है, स्पिन आ गई तो थोड़ा फंस जाता है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ रन ज्यादा बनते हैं, पर ODI क्रिकेट 72 मैचेस में 48 के औसत के साथ 3000 से ऊपर रन, 10 शतक हैं जिसमें 3 एशिया में आए हैं। एवरेज एक्चुअली गिर जाता है एशिया में यार, 38.9 का हो जाता है, एंड दैट एक्चुअली टेल्स यू मे बी इट्स द स्पिन, स्पिन के सामने ये कुछ लिमिटेड शॉट्स के साथ विकेट फेंक जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो फखर जमान कुड बी दैट स्लाइट वीक लिंक, अगेन आई एम नॉट डिसाइडिंग दिस, आई एम लीविंग इट फॉर यू टू डिसाइड कि भैया सबसे बेहतर 1-2-3 किसका है। पता नहीं आज अंदर से फीलिंग आ रही है, मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप किसको बोलेंगे किसका है। उसके बाद इनके जो पाकिस्तान क्रिकेट के इस समय के जो किंग हैं वो आते हैं, वो है बाबर आजम। ही इज ब्रिलियंट, ही इज दिस फॉर्मेट ऑब्वियसली स्टेलर है, 100 मैचेस में 5000 से ऊपर रन और 558 का औसत, 18 शतक जिसमें 11 है एशिया में, एशिया में एवरेज हो जाता है 63 का, नियरली 64 का, वैसे 58.4 का है। स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है जो कि बाबर का आपको थोड़ा सा कम हमेशा नजर आता है, नियरली 90, बट 90 इज ओके, 100 बॉल खेल के 90 रन बना दो भैया। वनडे क्रिकेट में 300 बॉल का मैच होता है, बाद में एक्सेलरेट भी कर सकते हो, बाद में वो शादाब नवाज सब आके बिटाई कर लेंगे। तो इनका रोल जो है वो है कि लगे रहो। तो बाबर आजम इज ब्रिलियंट, सो इमामुल हक, फखर जमान एंड बाबर आजम, 1-2-3 फॉर पाकिस्तान। हाउ डू दे स्टैक अप यू टेल मी, हाउ डू दे स्टैक अप। इसके बाद जरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पीछे ये भी समस्या चल रही थी कि अरे वार्नर को कहाँ बैटिंग कराएंगे, अरे वार्नर को तो हम बैटिंग नहीं करा पा रहे हैं, ऊपर इनको नीचे बैटिंग करवाई जाए, क्योंकि पहले चोटिल थे, पर जिसने ओपन किया उसने अच्छा किया। अभी भी ये टॉय करते हैं आइडिया किया कि मिचेल मार्श ऊपर जा सकते हैं, आई मीन दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, और ट्रैविस हेड हैज बीन ब्रिलियंट। तो मैंने सिर्फ 3 नाम ऐसे लिखे हैं, आई डोंट नो, अभी स्क्वाड नहीं आया, अभी अनाउंस नहीं हुई है, पता नहीं इंडिया में क्या स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, पर आई एम गोइंग विद डेविड वार्नर। 45 औसत है वैसे इनका 142 मुकाबलों में, दिस could be, I mean this will be his last World Cup. 19 शतक है इनके ODI क्रिकेट में, 6000 से ऊपर रन है, लेकिन 19 में से सिर्फ 3 शतक जो है वो एशिया में आए हैं। ऑफ कोर्स कम क्रिकेट खेलते हैं, 45 का औसत जो है वो घटके 36 का हो जाता है। वंस अगेन T20 क्रिकेट आपको इन परिस्थितियों में खेलते हुए नजर आए तो बहुत मारते हैं, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट में तो बिल्कुल ही वो नीचे चले जाते हैं, लेकिन ODI में भी बहुत अच्छे नंबर्स तो नहीं नजर आ रहे हैं। ट्रैविस हेड वंस अगेन 40 का औसत टोटल है, 38 का एशिया में है, 3 शतक कुल बनाए हैं जिसमें से 1 जो है वो एशिया में आया है, बहुत बड़ा कैरियर नहीं है, 54 मैच का कैरियर है जिसमें 1912 रन हैं। उस दृष्टिकोण से देखो तो मतलब 1912 रन हमें ट्रैविस हेड के देखे, सारे ऊपर बैटिंग नहीं करते, वरना शुभमन गिल की अगर आप देखें तो फिर 27 मुकाबलों में 14 रन तो भाई के हो गया उनके 54 मुकाबले, जस्ट सेइंग, नॉट जजिंग एनीवन। स्टीवन स्मिथ का ODI करियर 44 का औसत है वैसे, 12 शतक है जिसमें से मात्र 2 आए हैं भारत नहीं एशिया में, और औसत जो नियरली 45 की है, 44.5, वो घट के जरूर 39 की हो जाती है। तो 1-2-3 फॉर ऑस्ट्रेलिया, ट्रैविस हेड, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, कोई और करेगा क्या, वी शैल फाइंड आउट। पर मैंने अभी जरा जो पिछले समय से जिन्होंने ज्यादा किया उनके नंबर्स कुछ मैंने निकाले हैं, मेरी टीम ने भी निकाले हैं, कुछ अगर गलती हो जाए हमसे तो एक सेकंड हाथ जोड़ के माफी है भैया, बता देना फोन किसने वाला, तो अभी नया फोन लेने का कोई मूड नहीं है। उसके बाद आखिरी मैंने जो टीम रखी है वो रखी इंग्लैंड, इंग्लैंड के भी एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है कि कौन ओपन करेगा, काफी लोगों ने की है पिछले कुछ समय से, तो मैंने 1-2-3 पे रखा है जेसन रॉय, फिल सॉल्ट और जो रूट को, फॉर द टाइम बीइंग मैंने ये रखे हैं। वैसे डेविड मलान भी आ जाते हैं, जॉनी बेस्टो भी आ जाते हैं, जॉस बटलर इस टीम के लिए ओपन नहीं करते हैं, ODI क्रिकेट में वो नीचे बैटिंग करने आते हैं, तो इसलिए आपके जहन में अगर वो बहुत जोर से चल रहे हैं तो ही डज नॉट ओपन इन दिस फॉर्मेट। वैसे तो बेन स्टोक्स की वापसी हो गई है और हो सकता है हैरी ब्रूक भी आ जाए, अभी नहीं है प्रोविजनल स्क्वाड में, बट माइकल वॉन वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, यार नहीं माइकल वॉन थे या केविन पीटर्स, कोई तो एक था जो कह रहा था, कोई तो कह रहा था। जेसन रॉय नियरली 40 का इनका औसत है, 12 इनके शतक हैं 116 मुकाबलों में, एशिया में 2 शतक हैं, 41 पास, विच नॉट बैड एक्चुअली, एशिया और इनके ओवरऑल नंबर्स में एटलीस्ट एवरेज वाइज कोई फर्क नहीं है, स्ट्राइक रेट वाइज कोई फर्क नहीं है। फिल सॉल्ट बहुत ही युवा करियर है, 14 ही मुकाबले हैं जिसमें से 38 का इनका औसत है, पर एशिया में तो 18 का ही एवरेज रह जाता है, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं है। जो रूट ऑन दी अदर हैंड 56 का औसत एशिया में, 50 का औसत ओवरऑल है, और 16 शतक है जिसमें से 1 आया है एशिया में, फिर भारत निकल रहा है, लेकिन एशिया में, पर जो रूट इज अ क्वालिटी प्लेयर, 62 रन है इनके ODI क्रिकेट में।
देखिए इंग्लैंड के नंबर्स भी ना हमेशा आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ता है, क्योंकि नहीं पिंच ऑफ फिल सॉल्ट नहीं सॉल्ट लेना पड़ता है क्योंकि इनका भी अलग प्रायोरिटीज रहती हैं। ये वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप बहुत फोकस रहता है, फिर ये एशेज पे फोकस करते हैं और फिर बीच में कुछ और करने लगते हैं, इनका कुछ अलग चलता है। तो इनके एक दो तीन मुझे आइडिया नहीं है अभी कौन होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी अभी थोड़ा 50-50 है कि कौन एक दो तीन होने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान के लग रहे हैं कि एक दो तीन यही होने वाले हैं। और केन विलियमसन की उपस्थिति का पता नहीं है, तो मैंने उनका भी एक्चुअली टीम का नाम नहीं रखा है यहाँ पे। सो क्लैरिटी थोड़ी कम है, पर ये मेजर टीम लग रही थी मुझे इन टर्म्स ऑफ जस्ट द बैटिंग प्रोवेस, जस्ट द बैटिंग माइट। तो आपको क्या लग रहा है, जो चार टीम हमने की, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इनमें से सबसे बेहतर 1-2-3 किस टीम के लग रहे हैं? क्योंकि हो सकता है 1-2-3 माइट जस्ट डिफाइन, दे जस्ट डिसाइड हाउ वेल अ टीम प्लेस इन दिस वर्ल्ड कप। सपाट पिचेस, 50 ओवर का फॉर्मेट, रन बनेंगे गुरुजी। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। बजा दो, बजाने में क्या जाता है आपको? और बताना जरूर कि किसको आप ज्यादा रेट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी टीम है जिसका एक दो तीन आपको ज्यादा भा रहे हैं। और इसके लिए बिल्कुल बायस मत होना, बिल्कुल बायस मत होना। आई मीन जय हिंद जय भारत, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, डू व्हाट यू थिंक इज राइट, बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।